नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किडनी में स्टोन या पथरी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और इसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन या फिर रेनल स्टोन ये एक सॉलिड मटेरियल है। अगर आपके किडनी में, ब्लैडर में या यूरिथ्रा में कोई सॉलिड मटेरियल फंसा हुआ है तो हम इसे आम भाषा में किडनी स्टोन बोलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं किडनी स्टोन। तो सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ये एक पीले कलर का स्टोन होता है। 80 to 85% यानी 80 से 85% किडनी स्टोन में पाया जाता है। दूसरा होता है पोटेशियम मिक्स कैल्शियम स्टोन। ये एक मिक्स स्टोन है जिसमें पोटेशियम और कैल्शियम होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है। तीसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन। ये ब्लैक होता है और बहुत ही कम पाया जाता है। मोस्टली जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन ही पाया जाता है। अब बात करते हैं किडनी स्टोन के लक्षण क्या हैं, यानी किडनी में अगर पथरी है तो उसके लक्षण क्या हैं। किडनी में जब स्टोन होता है तो पेट में निचले हिस्से में दर्द होता है जो कि पीछे कमर तक जाता है और यह असहनीय दर्द होता है जो हम सहन नहीं कर पाते। अगर किडनी में पथरी है तो बार बार पेशाब करने का मन करेगा या इच्छा होगी और पेशाब से बदबू आने और पेशाब का रंग गहरा हो जाना, पेशाब करते वक्त जलन के साथ दर्द होना, जी मिचलाना और उल्टी और बुखार के भी लक्षण होते हैं। कभी कभी पेशाब के साथ खून आना और रुक रुक कर पेशाब होना भी इसका एक मुख्य लक्षण है। तो चलिए अब पथरी की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो सबसे पहली दवा है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंक्चर। ये एक मुख्य दवा है जो कि किडनी स्टोन के लिए काम आती है। ये दवा किडनी स्टोन के ऊपर एक कोटिंग कर लेती है और धीरे धीरे उसे तोड़कर पेशाब के द्वारा निकालना शुरू करती है। इसको लेने का तरीका ये है कि इस दवा को 30 बूंद 1/4 कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना होता है। दूसरी दवा है क्लियर स्टोन ड्रॉप जो SBL कंपनी की आती है। इसको 20 बूंद 1/4 कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना होता है। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 1000 CH या 1 m। इसे सुबह सुबह खाली पेट डायरेक्ट यानी सीधे मुंह में 2 बूंद लेना होता है। चौथी और आखिरी दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस 200 CH यानी 200 CH। इसे 2 बूंद दिन में 3 बार सीधे यानी डायरेक्ट आप इसे जुबान पर ले सकते हैं दिन में 3 बार। दोस्तों, इन सभी दवाओं का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इन्हें देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।